सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आप एक ब्रांड न्यू साउंडबार खरीदने जा रहे हो तो किन किन चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए परचेस करना चाहिए। सो टुडे आई गोना टॉकिंग अबाउट नेवर डू दोज मिस्टेक्स विथ योर ब्रांड न्यू साउंडबार्स। यानी कि अगर आप एक ब्रांड न्यू साउंडबार खरीद चुके हो तो आपको किस तरीके से सेटअप करना चाहिए, क्या प्लेसमेंट होना चाहिए एंड क्या साउंड सेटिंग, सारे के सारे इन डेप्थ इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीधी बात, नो बकवास, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर प्लेसमेंट को लेकर, यानी कि राइट प्लेसमेंट ऑफ ए साउंड बार। हो सकता है 5.1 साउंड बार आपने परचेस किए होंगे बट आपको अच्छी तरीके से प्लेसमेंट करना नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो फ्रंट साउंड बार है उसको आप अपना जो एयर लेवल है एयर लेवल में प्लेस करोगे, वो भी पूरे सीधे 90 डिग्री एंगल में, और जो सेंटर स्पीकर है वो आपके नोज के एंगल के बराबर सीधा रहेगा। एंड जो दो सराउंड स्पीकर है यानी कि रेयर स्पीकर, वो जस्ट आपके जो एयर लेवल है एयर लेवल के ऊपर उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर 360 रियल सराउंड साउंड इफेक्ट आपको सुनने को मिले। ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूम साइज। देखिए, जो साउंड बार हम अक्सर परचेस करते हैं तो अपर एक RMS वाट लिखा हुआ आता है, तो आप ज़्यादा RMS वाट में ध्यान रखिएगा हमेशा ही आपका जो रूम का डायमेंशंस है, ना कि पीक पावर। पीक पावर काफ़ी कभार यूज़ होता है जिसका बेसिकली नीड नहीं पड़ता। तो मान लीजिए आपका एक 12x12 का रूम है या फिर 12x14 फीट का रूम है, तो डेफिनेटली आपका 400 वाट की साउंड बार या फिर होम थिएटर होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके नीचे अगर आप कोई भी होम थिएटर या फिर साउंड बार इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रॉपर साउंड स्टेज है वो आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोई भी ब्रांड आपको 600 वाट 400 वाट दे के अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसमें भरोसा कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद उसको सुनकर जांच कीजिए, क्योंकि हर एक ब्रांड की तरफ से आने वाला साउंड सिस्टम का साउंड स्टेज अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउफर की प्लेसमेंट को लेकर। देखिए, साउफर जैसे कि आपको पता है ओमनी डायरेक्शनल स्पीकर होता है, यानी कि आप जहाँ मर्जी वहाँ पर रखो उसको, वो सेम तरीके से साउंड को रिप्रोड्यूस कर देगा। बट फिर भी अगर आप साउफर को ग्राउंड लेवल में प्लेस करते हैं या फिर घर के कोने, तो ज़्यादा आपको इंटेंसिटी के साथ जो डीप लोअर फ्रिक्वेंसी है सुनने को मिलेगा। तो हो सकता है आप उसको टेबल में भी रख सकते हो नीचे घर के कोने, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा फ्लोर में रखिएगा। अगर आपका साउफर का जो ड्राइवर है वो डाउन फायरिंग है तो डेफिनेटली उसको फ्लोर में रखिएगा। अगर साइड फायरिंग है तो घर के कोने लेफ्ट साइड में हमेशा आप उसको प्लेस कीजिए, ना कि राइट साइड में। उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड का एयर होता है वो ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी को कैच कर पाती है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट द ग्रिप्स प्रॉपर ऑडियो सिग्नल। जैसे कि एक साउंड बार या फिर होम थिएटर में ऑक्स का इनपुट होता है, ऑक्सिलरी इनपुट, इसके अलावा एक ऑप्टिकल का, कुछ साउंड बार में ऑप्टिकल पोर्ट नहीं होता है, बट उसके अलावा वहाँ पर आपको HDMI/RCA का पोर्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ऑडियो रिटर्निंग चैनल के साथ। तो अगर आपका साउंड बार डॉल्बी ऑडियो को डिकोड कर सकता है तो डेफिनेटली डॉल्बी ऑडियो पाने के लिए आपको HDMI/RCA का इस्तेमाल करना होगा। और एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो Amazon Prime है इसके अलावा Apple Music, YouTube Music, Hotstar, Disney Hotstar, तो ये सारे जो ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म है ये केवल 5.1 चैनल एंड साथ साथ DTS ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। तो इसके अलावा अगर आप YouTube से कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो प्ले करोगे तो डेफिनेटली 5.1 का मजा आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि YouTube में 90% कॉम्प्रेस्ड ऑडियो सुनने को मिलती है। डेफिनेटली ये पॉइंट अपना माइंड में अंदर घुसा लेना, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करेंगे वॉल्यूम लेवल एडजस्टमेंट ऑफ फ्रंट एंड रियर बोथ स्पीकर। यानी कि मान लीजिए आपका जो सिटिंग पोजीशन है, आप जहाँ पर बैठे हुए हो सकता है रियर स्पीकर का डिस्टेंस कम है, फ्रंट स्पीकर का डिस्टेंस आपसे ज़्यादा है सिटिंग पोजीशन से, तो आप पर साउंड सेटिंग्स होना बेहद जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा जब आप कोई भी 5.1 फाइल प्ले कर रहे हो या फिर कोई भी मूवीज वगैरह एंजॉय कर रहे हो तो फ्रंट स्पीकर से ज़्यादा साउंड आपको सुनने को मिलेगा और रियर स्पीकर से कम, तो आपको बहुत ही अननेचुरल अनमैच्ड साउंड सुनने को मिलेगी। तो इसलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस सेट होना, यानी कि वॉल्यूम लेवल के साथ डिस्टेंस दूरी अपना आपके हिसाब से सेट करिएगा, और ज़्यादातर जो महंगे साउंड बार्स आते हैं वहाँ पर ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इफ़ द पॉसिबल नॉट द रिकमेंडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ साउंड बार्स, जो कि ऑडियो कैलिब्रेशन को लेकर आप यहाँ पर ऑटो कैलिब्रेट कर सकते हैं अगर ये फीचर्स ब्रांड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, आपके घर के अंदर कोई भी सामान वगैरह है तो ऑटोमेटिकली जो साउंड है वहाँ पर एक माइक्रोफोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू कुछ सेंसर्स वगैरह साउंड सेंसर्स के थ्रू वहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपके घर में कहाँ पर क्या चीज़ें हैं।
तो आपको जो साउंड सुनना चाहिए वही आपको सुनाएगा। और यहाँ पर भी एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप आपके घर के अंदर मान लीजिए कोई भी सामान को ऑटो कैलिब्रेट करके रखे हो और कुछ दिन के बाद कोई भी सामान वगैरह घर के अंदर आता है या फिर बाहर जाता है, तो दोबारा से उसको कैलिब्रेट करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो साउंड इफेक्ट में साउंड स्टेज में आपको हो सकता है प्रॉपर ऑडियो सुनने को ना मिले। तो दोस्तों यही था 6 ऐसे मेन मुद्दे मेन पॉइंट्स अगर आप एक साउंड बार परचेस करते हो तो किस तरीके से उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। तो 2.1 साउंड बार में ज़्यादा कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्टीरियो होते हैं, बट अगर आप एक 5.1 साउंड बार खरीद रहे हो तो पर ये जो सेटिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसी वीडियो के दौरान, तो ये होना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आई होप अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी रैंडम टॉपिक में। सो आज के लिए बाय बाय, नमस्कार, है कितने, जय हिंद।